दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 66 के ट्रेलर फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियो यान की मुलाकात युमी से हुई थी, जिसकी उसने जान बचाई, जिसके बाद फिर युमी से सियो यान को यहाँ के बारे में डिटेल में पता चलता है, जहाँ पर थरी क्लैन मिल करके फ्लेम एम्पायर पर हमला कर दिया है और इस समय जियामा एम्पायर की हालत खराब होती है। और अब ये ट्रेलर शुरू होती है जहां हम देखते हैं जियामा एम्पायर में तीन मेजर क्लैन अलायंस इन लोगों से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और कहते हैं कि अगर जल्दी सियो यान नहीं आया तो हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इन लोगों की एक बार फाइट भी हुई थी, पर उसमें यह ओपोनेंट टीम नॉर्थ ईस्टर्न के लोग ही जीते थे, पर फाइट इंडिविजुअली हुई थी। ये लोग कंटिन्यूअसली अटैक इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि जियामा एम्पायर में अभी भी एक एलीट दो जोंग लेवल के क्वीन मेडुसा है। अगर वो लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों को क्वीन मेडुसा तबाह करके रख देगी। सियो डिंग कहता है, मैंने सियो यान को ढूंढने के लिए भेज दिया है, जल्दी सियो यान आता होगा। लेकिन अब दिक्कत की बात ये हो जाती है कि फाइट स्टार्ट हो जाती है, ओपोनेंट टीम की ओर से साउंड आने लगता है और वार के म्यूजिक बजने लगते हैं और ढोल नगाड़े भी बजना शुरू हो जाती है और उधर से वो वारिया क्वीन मेडुसा से लड़ने के लिए आने लगते हैं। ये देखकर यान अलायंस घबराने लगती है क्योंकि ओपोनेंट टीम में वो जो ट्रू फॉर्मेशन है वो एक दो जोंग लेवल का है और इसीलिए इस यान अलायंस में से क्वीन मेडुसा के अलावा और कोई नहीं है जो कि उन लोगों को टक्कर दे। ऊपर से उन थ्री दो जोंग के अलावा पॉइजन सेक्ट में एक और दो जोंग लेवल का वॉरियर है। इस समय क्वीन मेडुसा फाइट करते करते काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, लेकिन सियो यान की दिए गए पिल को खाकर वो रिकवर हो जाती है। लेकिन इस तरफ सभी लोग क्वीन मेडुसा के लिए चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और फिर क्वीन मेडुसा उन थ्री धो जोंग वॉरियर से फाइट करने के लिए जाती है, लेकिन ये तीनों धो जोंग वॉरियर क्वीन मेडुसा को देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मेडुसा, हम जानते हैं आप कितने ज्यादा खतरनाक है, आप एक ह्यूमन है, लेकिन फिर भी हम तीन मिलकर आपसे फाइट कर रहे हैं, पर यह सेंस बनता है क्योंकि अगर आप हमसे अकेले में फाइट करेगी तो हम लोग उस फाइल को कभी भी जीत नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे। तो इस पर क्वीन मेडुसा कहती है, बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग तीनों मिलके फाइट करो, दिखाओ आखिर तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच में काफी खतरनाक वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये ट्रू फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है और ये लोग एक एलीट दो जोंग वॉरियर को हराने की ताकत रखते हैं, इसीलिए सबसे पहले लड़ने के लिए यही लोग आगे आए थे। अब ये लोग तीनों मिलकर घेर कर क्वीन मेडुसा पर हमला करने लगते हैं, तो इसीलिए क्वीन मेडुसा को इन लोगों से दिक्कत होने लगती है। इधर अब ये चीज देखकर आइस एम्परर और उनके साथी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम लोग भी मेडुसा का साथ देने के लिए जाएं? अगर हम लोग क्वीन मेडुसा का साथ देंगे तो उसको टाइम मिल जाएगा और वो इन लोगों को आसानी से हरा देंगी। लेकिन फिर शावदीन समझाता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जियामा एम्पायर के साइड में क्वीन मेडुसा के बाद आप ही लोग हैं जो यहाँ दो होंग लेवल कैरी करते हैं। अगर इधर से आप लोग उस फाइट में इन्वॉल्व होंगे तो वह लोग भी उधर से इस फाइट में इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसके बाद ये बैटल बहुत ही खतरनाक मूड लेगी, इसीलिए हम लोगों को सियो यान का इंतजार करना चाहिए। दूसरी ओर क्वीन मेडुसा इन लोगों को हराने के लिए काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के ऊपर अटैक करती है। दो जोंग लेवल की फाइट इतनी ज्यादा हैवी लेवल की फाइट होती है जिसे मैं नहीं बता सकता। यहाँ पर ये तीनों मिलकर अपना स्पेशल अटैक टाइगर और डिफेंस न फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके क्वीन मेडुसा को हराने की कोशिश करते हैं, पर यान अलायंस इसको सिर्फ ऐसे खड़े होकर देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इस तरफ क्वीन मेडुसा की हालत काफी ज्यादा खराब थी, ये देखकर सभी लोग इमोशनल हो गए होते हैं। लेकिन इस तरफ क्वीन मेडुसा अपनी जान लगाकर दूसरे पीपल के लिए लड़ रही होती है और फिर हम ये भी देखते हैं कि अब तो ये लोग क्वीन मेडुसा को पकड़ भी लिए हैं। क्वीन मेडुसा को एक चैन में फंसा लेते हैं और वो तब उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हमारे हीरो सियो यान की एंट्री हो जाती है। धो जोंग लेवल पर पहुंच गया था, सियो यान धो जोंग लेवल पर होने के बावजूद भी एक दाम जोंग से टक्कर ले सकता है। सियो यान उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर क्वीन मेडुसा को बचा ही लेता है और यह सीन देखने में काफी ज्यादा इमोशनल होता है। मेडुसा सियो यान को अपने पास एक हीरो की तरह देखती है, पर अब इस बार का रुख बदलने वाला है, पता नहीं इस बार सियो यान क्या कर पाएगा। अभी भी पॉइजन सेक्ट के पास उनका ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। ये सारी बातें हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा और इसी के साथ हमारा ट्रेलर एक्सप्लेन यहीं पर और हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।